वेलकम बैक दोस्तों, साइकी थर्टी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम आज सामने देख रहे हो तो आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि मैट्रिक्स आर्ट जो है। हाँ दोस्तों, सही बोल रहे हो, बोल रहा हूँ मैं कि मैट्रिक्स आर्ट। तो उसके अंदर हम लोग अलग से इसका कुछ फंक्शन है वो हम लोग जानेंगे, जो मैंने पेंडिंग रखा था आपको बताने के लिए, और बहुत ही काम का है। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो आर्ट कैम्प करके एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, तो वो एक्चुअली मतलब सीएनसी मशीन के लिए जो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए काम में आता है, तो वही चीज़ों का फंक्शन मैट्रिक्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है। हाँ दोस्तों, इनबिल्ट ही है। सो जैसे हम लोग स्कल्पिंग वगैरह करते हैं वो भी इनबिल्ट है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर होती है। तो जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स आर्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी इस तरीके से, अपने ग्रे स्केल की इमेजेस हम लोगों ने की थी, आपको ध्यान होगा तो। यहाँ से ऐसे हमने किया था ये चीज़ें, ध्यान होगा तो ये हमने बनाया था। और उसके बाद में हम लोग पिक्चर में गए थे, और जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ मैं। देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे बनाई थी। मैंने रिजोल्यूशन अपडेट कर देता हूँ, अपडेट ये देखिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक इमेज को लेके बनाने की बात थी। तो लेयर्स में ये जो कलरफुल है, इसका आइकॉन ही है, देख रहे हो, तो ये क्या चीज है? मतलब आपके मन में कभी सवाल आया ही होगा कि मतलब ये क्या है, ये तो कभी कुछ पता ही नहीं किसी ने, या कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सो दोस्तों, आइए आप लोग इस ब्लॉक्स का मतलब क्या है, ये क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। सो दोस्तों, ये जो चीज है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो चीज है बहुत ही काम की है। तो आप बस एक काम कीजिए, ये जो मैं आपको जूम आउट करता हूँ, ये कलर्स है 1, 2, 3, 4 से लेके 16 तक, तो आप देख सकते हो लेयर्स में भी है। ये अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, येलो कलर है मतलब गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, फिर ऑरेंज है, यहाँ पर भी ऑरेंज है, फिर ब्राउन है, ब्राउन है, फिर पर्पल है, पर्पल है, फिर ग्रे है, ग्रे, मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8+8 16, तो ये 16 लेयर्स देख रहे हो आप, ये सामने जो लेयर्स दिख रही हैं। ऑफकोर्स दोस्तों, ये यही है, ठीक है। और आप जब करते हो कोई भी चीज़, यहाँ पे देखिए ये कौन सी लेयर पे है, मतलब ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 लेयर पे है। तो आप देख सकते हो ये मेरी 16 लेयर पे, मेरा जो है ये कर्व है वो 16 लेयर पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.25 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हो आप। आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी बड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, देख रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो 0.25 है नीचे आप आपके देखोगे तो ये देखिए सरफेस हाइट जो दी है मैंने वो है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ 1 mm तक, तो देखिए यहाँ पर भी बढ़ गया है, देख रहे हो। तो यही चीज़ आप यहाँ से भी जैसे 0.5 डालोगे तो देखिए 0.5 आ चुका है यहाँ पे। जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं 1 mm करूँगा तो 1 mm हो रहा है यहाँ पे, और अगर मैं 0.5 करता हूँ इस जगह पे, देखिए आप, अगर मैं इसको 0.5 करता हूँ तो देखिए 0.5 हो चुका है यहाँ पे। सो दोस्तों, ये यहाँ पर है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए, इसका फ़ायदा क्या है, मतलब कैसे यूज़ करेंगे इसको, किस तरीके से इसको काम में लेंगे, तो ये चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। तो मैट्रिक्स कार्ड में क्लोज कर देता हूँ, और मैं जो लोग नए हैं उनके लिए कहूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं। सो आप देख सकते हो इस वीडियो में भी आप बहुत नई चीज़ और बहुत बढ़िया चीज़ सीखोगे। और आप एंड तक देखिए वीडियो को, और आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि
अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए और बुरा लगा तो भी बताइए। सो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक ज्योमेट्री चाहिए, तो सबसे पहले रूल आप समझिए, आपको सबसे पहला रूल है इसके अंदर जो है कि आपको जो भी बनाना है इस टॉप लेयर पे ही बनाना है, मतलब टॉप दिख रहा है आपको या लुकिंग डाउन आ रहा होगा आपको, तो उसके अंदर ही बनाना है आपको कोई भी कर्व, ठीक है। और उसके बाद में आपको सारे कर्व क्लोज होने चाहिए, हाँ दोस्तों परफेक्टली क्लोज होने चाहिए, कोई भी कर्व ओपन होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा चीज है कि आपको जो चीज़ सेम चाहिए, मतलब समझ लीजिए किसी चीज़ को आपको एक्सट्रूड करना है तो, और पूरे को पूरे एक साथ कंट्रोल करना है तो आपको एक ही लेयर पे उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब आपको अगर कोई चीज़ कर्व से, कोई कर्व से कट मारना है या बुलेट डिफरेंस मारना है, तो जितने भी कर्व उस बुलेट डिफरेंस मारने के लिए होंगे वो सारे कर्व उसको आपको एक ही लेयर पे डालना पड़ेगा, वो कोई भी लेयर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि आप जब भी आप एडिटिंग करोगे कर्व की, मतलब आप समझ लीजिए कोई सर्कल बनाए थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लिया, तो आपको उस कर्व के कर्व को पूरे कर्व को सिलेक्ट करके फिर से आपको उस बॉक्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब कौन सा बॉक्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मतलब आपको इस बॉक्स में फिर से आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ, मैं सिंपल चीज़ पहले दिखाता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक ठीक है दोस्तों, हमने अलग अलग बना दिया। अब समझ लीजिए मैं इसको इस कर्व के ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को इसके ऊपर कर रहा हूँ, इसको थर्ड पे कर रहा हूँ, इसको फोर्थ पे कर रहा हूँ और इसको फिफ्थ पे कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने अलग अलग लेयर्स पे डाल दिए हैं, फर्स्ट जो भी है, मतलब कलर वाइज देख सकते हो आप, अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4, ओके। सो दोस्तों चलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको सबको सिलेक्ट किया मैंने, पूरे को सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया है, ये सब कुछ अलग 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 आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि कोई भी, ये देखिए आप एक देख सकते हो यहाँ पर कि लेयर वाइज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, एक सेकेंड मैं ज्योमेट्री भी पास में लेता हूँ आपके, तो आप देख सकते हो इस लेयर पे पूरे आ चुके हैं, देखिए है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी लेयर पे है वो उसी हिसाब से उसने अकॉर्डिंगली साइजेस और वो जो भी है सारी चीज़ें ग्रैब कर ली। अगर समझ लीजिए आपको ये जो चीज़ है, इसका आपको दिखा देता हूँ मैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए इसका जो सेक्शन है यहाँ पे दिखा रहा है, दूसरे का सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, थर्ड का सेक्शन अलग दिखा रहा है, फोर्थ का अलग दिखा रहा है और फिफ्थ का और फोर्थ का सेम ही है। तो ठीक है, हम लोग अभी फर्स्ट लेयर, मतलब जो है बीच वाले जो दिख रहा होगा कलर आपको लेयर का, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए ये अपने आप चेंज हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लोड प्रोफाइल करके आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने जूम जानबूझ के रखा है ताकि आपको अच्छे से पता चले, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये भी अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, काम करते हैं इसको लोड करके मैं फ्लैट वाला ही ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, आप अगर देख सकते हो ये ग्रिड है, ये अलग अलग ग्रिड बिल्ड वगैरह ये सब है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेस है। अब सेकंड वाला मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो बेस है ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब इसके अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रही, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक हो रही है, देखो
इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देखिए दो। इस पे करोगे तो तीन है, इस पे करोगे तो चार है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसका क्या सेंस है, तो आपको दिख बता देता हूँ मैं। ये जो बेस है, तो बेस को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसी पे ही कर सकते हो जो भी है। अब सेकंड पे आता हूँ मैं। अब आप देखिए इसका लेयर चेंज करके देखते हैं कौन सी लेयर है। ये देखिए दोनों, ये दोनों एक ही लेयर पे कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे ही है। ठीक है, इसको भी लोड प्रोफाइल करके हम लोग थोड़ी सी अलग प्रोफाइल ये वाली ले लेते हैं। ये देखिए ये आ गई है। एक काम करता हूँ, एडिट का करके जूम आउट करता हूँ। तो मैं डिलीट करता हूँ। सेव एज कर देता हूँ। इसमें डिफॉल्ट में प्रोफाइल में जाके करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं इसी में सेव करता हूँ। न्यू वन, ओके। ठीक है, यहाँ आ चुकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुकी है। ये हाइट यहाँ से मैं कम ज़्यादा यहाँ पे देखिए कर सकता हूँ, और सबका हो रहा है या दोनों का, मतलब जो उस लेयर पे है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं इसमें क्या सीन है। देखिए बिल्ड का मतलब बनाना हो गया, न्यू नया चीज़ बनती है एक्स्ट्रा, और कट का मतलब डिफरेंस हो गया, ग्रिड का मतलब ये देखिए मतलब मर्ज हो जाती है, मतलब बनती है लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करता। चलो तो देख ही लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए ट्रिम एंड बिल्ड पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए डेप्थ पे आया, मतलब ट्रिम एंड आउट, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा लेकिन आपको ये ऊपर तक आएगा। ये देखिए अब ट्रिम एंड ग्रिड, ये देखिए मतलब बन गया, नीचे से बन गया, ये यहां से बन गया है, लेकिन ये इसके ऊपर अफेक्ट ना करते हुए जितना बन सकता है उतना ही ऊपर आया। देखिए और फिर से क्लिक करता हूं मैं, बिल्ड पे आया, देखिए इसके ऊपर बनेगा, मतलब भले ही इधर कर वो, ये यहां से स्टार्ट करेगा जो भी बनना है। ये कट होके बनाए, देखिए फिर से आ गया, ये मतलब ये उस लेवल के हिसाब से चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज ऐसी है। ठीक है, अब आपको इसको जैसे रखना है वैसे रख सकते हो आप, और उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब आप देखिए ये जो चीज है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसके ऊपर बिल्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी बिल्ट हो रहा है। देखिए सेम इसके ऊपर भी लागू होता है ये, और इसकी भी हाइट कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर है कर, तो इसके ऊपर जाता हूं मैं, शायद ये जो है ये मैं बिल्ड पे लाके रख देता हूँ।
है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए देखिए इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, अलग अलग लेयर्स के ऊपर किस लेयर पे कौन सा इफेक्ट होना चाहिए। मतलब यहां पे जो करेंगे ये इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, यहां पर करूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले लेयर के ऊपर मतलब ब्राउन लेयर पे होगा। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने पहले रूल बताया कि अगर एडिट करते हो कर को तो सबको सिलेक्ट करके फिर से लेयर में डालना पड़ेगा। ये देखिए, तो समझ लीजिए मैं इस वाले लेयर को, ये जो लेयर है एक मिनट, ये पर्पल है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए सिर्फ उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस पे करता हूँ तो इन दोनों पे अफेक्ट करेगा, ये देखिए देख रहे हो, इस तरीके से। तो दोस्तों ये एक्चुअली क्या है कि आपको कर करके सारी चीजें समझ में आएंगी, करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि इससे किससे क्या होगा और किससे कैसे होगा। अब इसकी बारी है दोस्तों, अभी समझ लीजिए मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये देखिए सेम इफेक्ट है दोस्तों। मतलब आपको यहां पर आपको जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक दोस्तों इंट्रोडक्शनरी है इसका, और आप इसके अंदर आप और भी चीजें कर सकते हो। ये हम लोग इसके नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे कि मतलब इसका जस्ट एक नया नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का ही, और सेकंड पार्ट समझ लीजिए या इसका प्रोजेक्ट समझ लीजिए, इसके अंदर हम एक छोटी सी स्ट्रिप बना के इसके अंदर कुछ चीज़ें कैसे काम में लेंगे ये हम लोग देखेंगे इसके अंदर। सो दोस्तों आप देखते रहिए और करते रहिए इसको, और आप मुझे बताइए कि और आपको इसके अंदर क्या समझ में नहीं आया या आपको और क्या चाहिए इसके अंदर, तो ये हम लोग इसके अंदर देखेंगे। सो दोस्तों जैसे ही आप ये बना लोगे इसके बाद में आप क्रिएट मेश करोगे तो ये देखिए ये मेश बन के रेडी हो जाएगा। ये मेश बन रहा है दोस्तों, थोड़ा स्लो है, तो दोस्तों ये हो गया है। मैंने मशीन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से बन गया है जो हम लोगों ने किया था, ये देखिए। सो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको आइडिया आ गया होगा कि ये कलरफुल जो चीज़ है ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे करेंगे इसको। सो दोस्तों हम लोग इसका और भी देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, नए प्रोजेक्ट्स करेंगे इसके अंदर, और काफ़ी बढ़िया है। मतलब एक सॉफ्टवेयर का पूरा काम ये अकेला मैट्रिक्स आर्ट करता है, और इसके अंदर हम लोग पिक्चर का तो देख ही चुके हम लोग, और अगर इफेक्ट्स का और स्कल्प का देखना है तो हम लोग और भी वीडियोज डालेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो ही मैं वीडियो बना पाऊंगा इसका, अगर आपकी डिमांड है तो ही। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइए कि हम लोग कुछ क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मैट्रिक्स सबको आता है दोस्तों, लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते और काम की होती है लेकिन हम उसके लिए कुछ और ही करते रहते हैं। सो दोस्तों अलग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं या हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये चीज़ नहीं होगी। सो दोस्तों सब कुछ होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से होगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।